अरे बाबा बाय बाय छोड़ के। तो अभी जो है गाइस, मेरा भयानक एक्सीडेंट हो जाता अभी। एक्चुअली मैं फिर नाइट राइड पे गया था, मैं और मेरा एक फ्रेंड, और सोचे थे कि थोड़ा बहुत राइड करके आते हैं। अच्छा खासा मौसम था, एकदम सुहाना मौसम, हवा वगैरह अच्छा मस्त चल रहा था, तो बोले चलो एक राइड पर से आते हैं। राइड में एक बहुत ही बड़ा जो है दुर्घटना होते होते बचा। एक्चुअली मैं जो हूँ ज्यादा रफ बाइक राइड भी नहीं करता हूँ, मेरा बाइक इकोनॉमी मोड से हल्का ज्यादा रहता है, ठीक। और अभी जो है जब जा रहे थे तो करीब 60-70 के अप्रॉक्स में हम चल रहे थे, और सडनली जो एक बुड्ढा जो है रोड सीधे क्रॉस कर गया, और करीब जो कुछ ही मीटर के दूरी पे जो है बुड्ढे ने सडनली एकदम से किसी तारी के ठेके में तारी वगैरह पी के जो है निकला, एक बार भी पीछे नहीं टर्न मारा। हम हॉर्न मारते रह गए, उसको आवाज देते रह गए, बुड्ढा जो है हाथ ऐसे दिया एकदम से साइकिल को हुलाते हुए चला गया। उसको बचाने के चक्कर में जो है हम झाड़ियां में चले गए, और फिर भी जो है बुड्ढा एक बार भी टर्न मार के नहीं देखा, ऐसा हालत था। मन तो क्या बुड्ढे को जाके 3-4 थप्पड़ दे बाइक को छोड़े, कि ऐसे ऐसे बुड्ढे को जैसे लोगों की जान चले जाती है, ठीक है। तो जब भी आप बाइक राइड करते हैं सेफली राइड करिए, और जो इंसिडेंट हुआ वीडियो में देख ही सकते हैं क्या हुआ मेरे साथ। चलिए क्या होता है ना, अभी के बाइक्स में ABS आता है, ABS में आप कितना भी ब्रेक लीजिएगा ना वो लॉक होता है फिर छोड़ता है, लॉक होता है छोड़ता है। आप सडनली ब्रेक लीजिए बाइक वहीं नहीं रुकेगा, धीरे धीरे करके रुकता है। मैंने पीछे वाला जो ब्रेक पूरा लिया, बाइक स्कीड हो गया, ऐसे ऐसे हुआ, बट जो है रुका नहीं। फिर लास्टली हमको जो है झाड़ियों में घुसाना पड़ा, झाड़ी में जाते 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 रुक गया बाइक, लेकिन बच गए, नहीं तो स्कीड वगैरह होता है गिरते जख्मी हो जाते पूरी तरह से। इससे बेटर होता कि मैं उस बुड्ढे को ठोक देता, क्योंकि उस बुड्ढे का ऐसा रिएक्शन था, उसने एक बार भी टर्न होकर नहीं देखा कि कैसा है नहीं है, चलता रह गया वो बुड्ढा, वो बहुत गुस्सा है। ऐसे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है मुझे, जो आए दाएं बाएं नहीं देखते और रोड क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग ही जो है सच में कितने लोगों को जो घायल कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। तो अगर आप बिहार के अंदर हैं, खास करके बिहार के लोग में कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स वगैरह कुछ नहीं पता होता है, तो बिहार में आप सावधानी से बाइक चलाइए, इकोनॉमी मोड में ही चलाइए। ज्यादा रफली वगैरह चलाइएगा तो हो सकता है जान से भी हाथ धोना पड़ जाए। हाँ, तो प्लीज राइड सेफ, हाँ जितना हो सके सेफली राइड करिए, और ऐसे जो बेवकूफ़ों को जो है ध्यान से देखते हुए चलाइए, ठीक है। मेरे साथ ऐसे जो बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं जिसमें बच्चे वगैरह जो है रोड क्रॉस कर जाते हैं, पेरेंट्स को थोड़ी भी फिक्र नहीं होती, बिहार के बच्चे वैसे ही सड़कों पे रहते हैं घूमते हुए, मैक्सिमम बच्चे ही आपको सड़कों पे ही घूमते हुए नजर आ जाएंगे, कभी कहां से कौन घुस जाएगा उसका कोई गारंटी वगैरह नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो है जब भी सड़कों पे बाइक वगैरह लेके निकले, कार वगैरह लेके निकले, सेफली निकले। तो ये जो इंसिडेंट हुआ वो आप वीडियो में देखिए एंड कमेंट करके बताइए आप लोग के साथ भी ऐसे घटनाएं वगैरह हुई हैं कि नहीं, एंड जितना हो सके राइड सेफ, प्लीज राइड सेफ। अरे बाबा बाय बाय छोड़ के धकलो धकलो बाबा, आज हम लोग को गिरवा देता मत। और धक्का मारो रुक जा। रुक जा रुक जा, निकाल लेता लगा पता। हम लोग नाली में जा रहे हैं, नाली है ताकत के लिए। अरे भाई चल, तू तो लड़ा आदमी है, क्लच का है दाम दिया था तू भाई, भाई कभी चक्का स्किड हो गया था, नहीं देखा हम देखे थे तुमको क्लच लिए या तुम क्लच, इसीलिए स्लिप कर गया गाड़ी। अरे एक बार मेरे घुमा दिल के मैं 10 मीटर के दूरी है पर से साला करा है ड्राइवर है तुझे जाने तो ना भाई वो तो थाल है तो तुम लेकिन चूतिया वाला हरकत करने लगा साला पशुआ वाला भाई वही से है नौरा बाबा बाबू कर रहा है क्लॉस दाब के पीरे को ले रहा है वो एक के में घुसा दिया तो क्या हमको क्या पता, एक तो लाइट दिख नहीं रहा था इसलिए कहते रहते हैं जब सामने से गाड़ी आए तो लंबा वाला लाइट चला दे।
नाली में हुलाइए दिए कि बोलिए गया उसके जगह पे मिट्टी भर गया था या पेड़ पौधा लग गया था इसीलिए गाड़ी रुको गया। हम जाने दिए आराम से, हम बोले अब रोक रहा है बाबा रुका देखा बाबा वही तो हम देख रहे थे कि बुढ़वा माधर चोद रुका नहीं साला चल देख रहा गया साला। अरे गाय जी बाबा साला निकल गया चूतिया।